हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आरिफ, केडी कैंपस जयपुर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बैंकिंग के लिए स्पेशल। और आपको ये याद रहे और ये पता होना चाहिए, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के अंदर, कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, तीन तीन चार या फिर 5 क्वेश्चंस आपके बैंकिंग में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान है, और आप बहुत कम समय में अच्छे से इसको समझ पाएंगे, और हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। बेटा, अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो एक बार आप क्वेश्चन देखो। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, जैसी पहले एक ऊपर लिखी हुई है और उसके एक जस्ट नीचे है। तो ऊपर से क्या है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स निकलेंगे, इसके भी दो रूट्स निकलेंगे। तो ये जो होगी, इसमें से एक्स की वैल्यू आएगी और इसमें से वाई की दो वैल्यूज आएंगी। आपको रिलेशन बताना है कि जो एक्स का रूट होगा वो वाई से बड़ा है, या वाई का रूट होगा एक्स से छोटा है ना, या फिर एक्स इज ग्रेटर और इक्वल वाई है। तो ये इन पांचों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन बताना है, क्या इनका मतलब है, क्या रूट्स होते हैं, क्या है, धीरे धीरे सब पता चलेगा आपको। बस पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए आप और नोट्स बनाते रहिए। आपको इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, यहीं से आप सीख जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करिए। शुरू करते हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में लिखी हो, तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण जिसकी घात कितनी हो, दो हो मैक्सिमम। अब मेरी बात को सुनो, ये होती है इसकी फंडामेंटल इक्वेशन। मतलब ऐसी अगर तुम्हें लिखी मिले इक्वेशन तो वो कौन सी होती, क्वाड्रेटिक। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप एक बार कंपेयर करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। आप यहाँ से एक चीज देख पाएंगे कि यार यहाँ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 2 है, बाकी एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह एक्स है। बात समझ आ गई, इतनी आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही देखो ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण, ठीक है। तो दोस्त आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वेशन लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। जो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे नहीं सीखना, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रूट निकालना आपको हम सिखाएंगे। अभी आप देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 3 9, 3 3 6, आपको नहीं समझना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बस आप देखते रहो सिर्फ, इज इक्वल टू 0। बेटा एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 3 प्लस 3 कॉमन ले लो तो आएगा एक्स प्लस 3 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x+3 दो जगह है तो एक बार हम x+3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लिया कॉमन, तो इधर से कितना बचेगा x और इधर कितना है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस वाले x+3 को देखूं तो उधर 0 में चला जाएगा। इट मींस मैं कह सकता हूं यार कि x+3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपने ये सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 3, ठीक है। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि दो वैल्यूज आएंगी। हाँ बेटा, दो वैल्यूज होंगी, क्योंकि एक वैल्यू -3 यहाँ से और एक वैल्यू -3 यहाँ से, दो वैल्यूज आएंगी और दोनों ही -3 होंगी, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि मैं क्यों किया, तो कुछ सिखाना था आपको। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया, तो देखा कि एक्स की वैल्यू आ गई -3, एक और आएगी -3। ये जो दो वैल्यू आई है ना, इनको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं इनको, रूट्स। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, या फिर यहाँ एक्स है या वाई भी हो सकता है या जेड भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो इसकी जो वैल्यूज आती है उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। तो आप इंग्लिश ही समझो तो ज्यादा आसान है ना।
तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रूट्स। तो ये -3 और -3 है, ये क्या है, रूट्स। अब एक बात छोटी सी और समझिए कि ये जो भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर एक्स की वैल्यू -3 है बेटा, आप -3 को उठा के एक्स की जगह पुट कर दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, जो भी रूट आएगा वो अगर तुम एक्स की जगह वापस पुट कर दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये करने के पीछे रीजन ये था, आपको ये बताना था कि जब एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो जो आता है उसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे ये सब कैलकुलेशन ना करें, डायरेक्ट ये आ जाए, अभी सिखाते हैं। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि यार इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या होते हैं बेटा, अभी बताया कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आ जाए वही रूट्स होते हैं। मैं मानता हूं, अगर मान लो कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा कोमा बीटा है, क्या है, अल्फा कोमा बीटा, क्या है, अल्फा कोमा बीटा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे अल्फा कोमा बीटा से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो वो कैसे बनेगी, तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और इसके रूट्स कितने, अल्फा कोमा बीटा। अगर मुझे अल्फा कोमा बीटा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनेगी बेटा, वो ऐसे बनेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या मतलब है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास रूट्स हैं कितने, 3.5। बड़े ध्यान से आप समझना कि हमें 3.5 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो वो कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर है तो आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, का मतलब है कि जो रूट्स है उसमें एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा। तो 3 और 5 जोड़ेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, तो बेटा 3 और 5 कितना होता है, 8। ब्रैकेट के बाहर एक्स है तो एक्स लिख दो, प्लस अल्फा बीटा दोनों का गुणा है अल्फा इंटू बीटा, तो 3 × 5 बोलो कितना आएगा, 15, और बराबर कितना आएगा, 0। यानी कि अगर रूट्स 3.5 है तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्या किया, रूट्स अपनी मर्जी से ले लिए, रूट से इक्वेशन बना ली, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इक्वेशन से रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। थोड़ा वेट करो, अपने आप आंसर्स आएंगे सारे के सारे, बढ़िया से सीख जाओगे। अभी क्या है, हमने रूट से इक्वेशन बना ली, ठीक है, आप यहां समझते रहो अच्छे से। मैं आपसे कहता हूं एक और इक्वेशन बनाओ, एग्जाम्पल मैंने लिया कि 2.7, तो आप क्या करोगे, पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है बेटा, 9, 7 2 9 बाहर एक्स प्लस दोनों का गुणनफल 14 बराबर 0। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी मेरी बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, मैं आपसे कहता हूँ एक एग्जांपल और लो, मैंने कहा लिखो 3.11, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 और 3 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। 3.11 से ये इक्वेशन बनी, 2.7 से ये इक्वेशन बनी, 3.5 से ये इक्वेशन बनी, ठीक है भाई, ये और ये, कोई तकलीफ, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। हमें कहने का मतलब, समझाना सिर्फ ये था कि बेटा अगर इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, कैसे है? पॉजिटिव, तो आप देख पा रहे होगे तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो आप याद रखना कि जो ये आएगा ना, ये जो आएगा सम वाला, वो क्या आएगा, निगेटिव। क्या है, अभी समझाता हूँ आपको, इधर आओ, ऐसे देखो, ऐसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट्स अल्फा कोमा बीटा होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ए की वैल्यू 1 है और एक्स की जगह एक्स है, तो बी की वैल्यू कितनी है, -8। बोलो है -8, बिल्कुल। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा, -9। अगर इसको कंपेयर कराऊं तो बी की वैल्यू कितनी है, -14।
यानी कि जब भी आपके रूट्स दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये कंपलसरी है कि जो बी है वो कैसा होगा, निगेटिव। यानी कि कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको बी निगेटिव दिख जाए, समझ जाना दो रूट्स दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी आप थोड़ा समझते रहिए। देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। ये जो इक्वेशन है ये आपको रटनी पड़ेगी, इसको दिमाग में डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अगर दो रूट्स हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ध्यान से सुनना, अगर पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव आएगा अल्फा प्लस बीटा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये माइनस है, यानी कि माइनस, ये पॉजिटिव है तो माइनस, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस, यानी कि जैसी ये इक्वेशन बनी वैसे ही आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा आपको, है ना, आपका एक कन्फ्यूजन नहीं छूटेगा, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते रहिए बेटा एक बार, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके आपको रूट्स बताने बिना सॉल्व किए। तो पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर आप देखेंगे बेटा करना ये होता है। अगर मैं देखूं इसको एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला आपको ये देखना है कि इस पांच के दो ऐसे फैक्टर बताओ, दो ऐसे गुणनखंड बताओ कि जिनको जोड़े तो छह आ जाए। लगाओ दिमाग, दौड़ाओ, पांच के ऐसे फैक्टर्स बताओ। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि मुझे फैक्टर्स नहीं पता, बेटा फैक्टर्स वो होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं कि जिनका उस नंबर में भाग चला जाए, ठीक है। कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं ये कितना है, पांच है, पांच, मुझे ये करना है कि जैसे एक नंबर हो गया एक और दूसरा नंबर कितना हो गया बेटा पांच, एक का भी भाग पांच में जाता है और पांच का भी भाग कितने में जाता है, पांच में, बोलो जाता है कि नहीं। इसके फैक्टर्स और दोनों का सम या फिर डिफरेंस ये होना चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं पांच के फैक्टर एक और पांच है, और ये बेटा जो है पांच और एक का योगफल वो छह के बराबर दे रखा है। एक बात क्लियर होगी कि जो रूट्स होंगे वो एक और पांच होंगे, कौन कौन होंगे, एक और पांच, लेकिन डिसाइड ये करेगा कि साइन कैसे। तो मैं देखा बीच में माइनस है, बी माइनस है, अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो से अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू एक है, सी की वैल्यू पांच है, एक्स की जगह एक्स है बेटा, बी की जगह है माइनस का छह है। और अभी मैंने आपको बताया था अगर बी निगेटिव है तो समझ जाना दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नहीं। तो हमें ये बात पता चल गई कि दो रूट्स हैं एक कॉमा पांच और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव, यानी उत्तर क्या आएगा आपका, एक कॉमा पांच। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप इसे इक्वेशन बना के देख लो, यही बनेगी। कैसे इक्वेशन बनाओगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स फाइव और वन सिक्स ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस, सॉरी गलत लिख दिया, पांच और एक जोड़ो छह ब्रैकेट के बाहर कितना एक्स प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई पांच एकम पांच बराबर जीरो, बोलो क्या है, वही इक्वेशन आ गई कि नहीं, आ गई। थोड़ा और क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर है, थोड़ा आगे चलो। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन देते हैं हम आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस का सत्ताईस इज इक्वल टू जीरो, हमें इसके रूट्स बताने हैं, पहले रूट्स निकालना सीखेंगे, इसके बाद फिर बैंकिंग के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कैसे, क्या इनइक्वालिटी होती, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते, पहले मेन बात है कि हमें रूट्स निकालने आने चाहिए। देखो आगे इसमें क्या करना है आपको, आपको ये जो सी है ना 27 के ऐसे फैक्टर्स करो कि जिनको जोड़े तो 12 आ जाए। मैं स्पेशली जोड़ने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में माइनस है तो दोनों जुड़ेंगे, जुड़ेंगे कि नहीं। अगर मैं 27 को देखूँ तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि 9 3 27, यानी कि दो ऐसे फैक्टर बताओ जिनका जिनका प्रोडक्ट जो हो 27 हो, तो 9 × 3 और सम कितना हो 12। अब समय आ गया बताने का, आपको लग रहा होगा कि सर आप क्यों ये देख रहे हैं, आप प्रोडक्ट क्यों देख रहे हैं, बेटा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का एल्फा बीटा बराबर जीरो, यानी कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जब बनी तो क्या ऐसे बनी होगी, आप कहोगे सर बिल्कुल, कैसे, अगर इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा होंगे तो आपने इसमें क्या किया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर जो ब्रैकेट इसमें अल्फा प्लस बीटा किया होगा और इसमें दोनों का गुणा किया होगा। तो हम इसीलिए पता कर रहे हैं कि दो ऐसे नंबर बताओ जिनका गुणनफल तो 27 हो,
लेकिन उनका योगफल 12 हो। कैसे? कि देखो, अगर जो भी दो रूट्स है, इधर तो उनका प्रोडक्ट है और इधर उनका क्या है बेटा, बोलो है कि नहीं है, बात समझ आ रही है? तो मैंने देखा 9 3 27 और 9 + 3 कितना है 12। तो ये एक बात पता चल गई कि रूट कितने हैं 9 और 3, बट यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं पॉजिटिव। हमें नहीं लगता यहाँ आपको कोई भी दिक्कत है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका गुणनफल कितना हो 27 और जिनका सम कितना हो 12। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, समझ आ गई होगी आपको। और ये माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा 12 चाहिए ये। ठीक है, तो एक टाइप तो क्लियर होगा, कौन सा? कि जिसके बीच में माइनस आता है। अभी क्या होगा, सब में प्लस भी आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे आप। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब मैं आपसे ऐसे बोलूंगा कि यार एक रूट है -5 और एक रूट है -3, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखो क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर दो रूट्स एल्फा कॉमा बीटा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? ऐसे बनती है कि नहीं? हमारे पास रूट्स ये है और इनसे हमें इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनेगी? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 और -3, बोलो कितना आएगा? -8, और ब्रैकेट के बाहर एक्स। अब ध्यान से सुनो, प्लस एल्फा बीटा का मतलब क्या होता है कि दोनों का गुणनफल। बेटा माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस। तो -5 × -3 कितना हो जाएगा? 15, और इज इक्वल टू 0। बात को ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। यानी कि बात ये पता चली क्या, कि जब दोनों रूट्स निगेटिव हैं, जब दोनों रूट्स निगेटिव हैं तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी आ गई? पॉजिटिव। कैसी आ गई? पॉजिटिव। जब दोनों रूट्स निगेटिव हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी आ गई बेटा? पॉजिटिव आ गई कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। ऐसा क्यों? एक बार समझने का प्रयास करना जो समझाना चाह रहा हूं। देखो, इधर पॉजिटिव का मतलब क्या, सोचो जरा एक बार, इधर पॉजिटिव का मतलब क्या? फंडामेंटल इक्वेशन जो अपनी होती है एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद निगेटिव होती है। होती है कि नहीं निगेटिव? बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव जब होगा जब अल्फा प्लस बीटा निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस होती है। और ये प्लस कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा निगेटिव होगा तभी तो ये प्लस होगा। होगा कि नहीं? तो बिल्कुल ठीक बात। यानी कि दोनों का जो सम है वो निगेटिव है कि नहीं? तो दोनों का सम निगेटिव कब आ सकता है? कि बेटा दो केसेस में आ सकता है, या तो दोनों रूट्स निगेटिव हो, या फिर एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, उसमें बड़ा वाला रूट निगेटिव हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां मुझे ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का सम जो है वो निगेटिव है, और गुणनफल तो पॉजिटिव हो ही जाएगा माइनस माइनस है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात नोट यहां से ये करो कि अगर सारा का सारा पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे? निगेटिव। कैसे आएंगे? निगेटिव। लिख लो, इफ इफ ए कॉमा बी एंड सी आर पॉजिटिव then roots will be negative। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। हम एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x + 18 बराबर 0। जैसे तुमने देखा कि ए बी सी पॉजिटिव है, ए बी सी पॉजिटिव का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए 1 है, बी 9 है, सी 18, और ये तीनों के तीनों नंबर्स कैसे पॉजिटिव। अगर पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स कैसे आएंगे बेटा? निगेटिव। अब आएंगे तो निगेटिव तो क्लियर हो गया, लेकिन आएंगे क्या? तो इनका गुणा करो और उनका योगफल कितना होना चाहिए? 9। ठीक है, तो इनका गुणा हम देख रहे हैं कि 6 × 3, तो इन दोनों का सम कितना है? 9, यानी कि करेक्ट है। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे इसको कि यार 2 × 9 भी तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा 2 और 9 का सम 9 नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। ठीक है ना, बात हमारी समझ आ गई होगी आपको। वेल डन। तो एक बात तो पता ये चली कि 6,3 रूट्स हैं। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, सारे पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे? निगेटिव होंगे कि नहीं? उम्मीद है आप समझ गए। पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि एक्स स्क्वायर
ये देखो क्वेश्चन, हम दो नंबर्स का गुणा करें तो 30 आए, जब जोड़े तो 11 आए, है ना? बताओ, आपको समझ आ गया होगा क्या क्या हो सकते हैं। कि सर 6 × 5 30 होता है और 6 + 5 11 होता है। गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। जोड़ क्यों रहे? क्योंकि सम की वैल्यू होती है ना? माइनस प्लस से तुम्हें मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों निगेटिव आएंगे। तो ये रूट्स क्या आएंगे इसके बेटा? -6, -5। ठीक है, आप ये पहली वीडियो है, ठीक है? अगर आप इसको देखोगे तो मैं बता रहा हूँ आपका बैंकिंग का सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है? हो सकता है वीडियो 1 से 2 भी हो जाए, बट आप परेशान मत होना, पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपका। आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताओ, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बताओ। x² + This is your question. क्या लिखा है बेटा? कि x² + 27x + 180 = 0। अब हमें क्या करना है? 180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनको जोड़े तो 27 आए, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो पता है रूट्स कैसे आएंगे? नेगेटिव। तो 180 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या क्या होंगे? 12 और 15, ठीक? क्योंकि 12 × 15 कितना होता है? 180। अब आप सोच रहे होगे सर हम कैसे सोचेंगे, है ना? तो आप 180 के फैक्टर्स कर लो सारे के सारे, ठीक है, और फिर जोड़ लो 27। या तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, पता चल जाएगा। और वैसे भी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इतना पता होना चाहिए कि 15 × 12 180 होता है ना? मैक्सिमम केसेस में यूज होता है ये मैथमेटिक्स में, है ना? चलो आगे। और इनका सम भी कितना मिल रहा है? 27। तो रूट्स कितने आएंगे? -12, -15। आगे बात समझ में, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा कि रूट से इक्वेशन बनाना सीखा और इक्वेशन से रूट्स निकालना सीखे, लेकिन सिर्फ दो तरीके की इक्वेशन। कौन कौन सी? एक तो इस तरीके की इक्वेशन सीखी हम लोगों ने कि अगर ax² - bx + c = 0 दे रखा हो, जहां पे a 1 हो, यही आपने सीखी। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, कुछ वैसे लिख देता तक समझ आ जाए। मैंने सीखा x² - 3x + 2 = 0, जब ये माइनस हो बीच में। एक वो सीखी, दूसरी क्या सीखी कि x² + 3x + 2 = 0, एक में b निगेटिव हो और एक में कौन सी? सारे के सारे पॉजिटिव हो। इस ये दो तरीके की इक्वेशन हमने सीख ली, ठीक है? अब चलेंगे आगे। इसमें क्या था? अगर b निगेटिव है तो दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव थे, और इसमें क्या था? दोनों के दोनों रूट्स निगेटिव है। इतनी बात आपको पता चल गई बेटा, आगे चलते हैं। अब क्या होगा इसको ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि दो रूट्स हैं, एक है बेटा 3 और एक कितना है? -2। पहले हमने पढ़े दोनों रूट्स पॉजिटिव, फिर पढ़े दोनों रूट्स निगेटिव, अब पढ़ेंगे एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसमें भी दो तरीके होंगे, पहले बड़ा पॉजिटिव छोटा निगेटिव, फिर छोटा पॉजिटिव बड़ा निगेटिव। अभी हम ये पढ़ रहे हैं। अगर हम इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगी? x² - इन दोनों का सम। जब इन दोनों का सम करोगे बेटा 3 और +-2, तो +-, तो 3 से 2 जाएगी, तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x² - x, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, पूरे लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा 1 और ब्रैकेट के बाहर x, ठीक है, प्लस इन दोनों का गुणनफल। गुणनफल कितना आएगा बेटा? -6 बराबर कितना है? 0। मैंने देखा इक्वेशन क्या बनी कि x² - x - 6 = 0, ठीक है, ये आएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्त, इसको यहीं छोड़ दो, एक और लेते हैं। मैंने लिखा 5, -3, इससे बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में होता है x² माइनस, इन दोनों का सम बताओ। तो 5 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2, ब्रैकेट के बाहर x, प्लस दोनों का गुणनफल कितना आएगा? -15 = 0। अगर हम इसको देखें तो क्या मिलेगा? x² - 2x और -15 = 0। तो हमने दोनों इक्वेशन में देखा इसमें बी भी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है, बोलो है कि नहीं? यानी कि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अगर हमने एक रूट पॉजिटिव लिया और एक रूट निगेटिव लिया तो हमें क्या मिला? कि बी भी निगेटिव सी भी निगेटिव। कैसे? बी सी निगेटिव। ax² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर करें तो बी भी निगेटिव और सी भी निगेटिव, ठीक है, उधर भी बी भी निगेटिव और सी भी निगेटिव। आगे चलते हैं। अब मेरी बात को जरा समझने का प्रयास आप करना बेटा, ये नेगेटिव क्यों आया पता? ये वाला ये नेगेटिव क्यों आया? आप सबको पता है ये तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक
इसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, क्योंकि ये सी है और ये कैसे आता था अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दो रूट्स का प्रोडक्ट है यहाँ, है कि नहीं। इधर भी अगर हम देखेंगे तो दो रूट का प्रोडक्ट है, कैसे देखो ये पांच इंटू माइनस तीन है कि नहीं। तो जैसे ही सी निगेटिव होगा तो समझ जाना कि या तो अल्फा या बीटा इनमें से कोई एक निगेटिव है, इनमें से कोई एक निगेटिव है, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है ये चीज डिसाइड नहीं कर सकता, क्यों? कोई भी एक निगेटिव होगा ये ऑलरेडी निगेटिव ही देगा, ठीक है ना दोस्त। और छोटा निगेटिव है कि बड़ा निगेटिव है ये डिसाइड करेगा, ये कैसे करेगा अभी पता चलेगा आपको। आगे चलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप छह के ऐसे फैक्टर करो, छह के ऐसे फैक्टर करो जिसका सम या डिफरेंस एक हो। तो अगर मैं देखूं छह तो थ्री टू जा सिक्स, तीन से दो गई एक, ठीक है ना। अब अगर थ्री टू जा सिक्स, तीन से दो गई एक, इसका मतलब ये पता चल गया बेटा रूट तो तीन कौमा दो है, बट ये नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। एक तो पता चल गया इनमें से एक तो निगेटिव है, वो क्यों है? क्योंकि ये माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स अगर दो नंबर्स का गुणा माइनस सिक्स है तो पॉजिटिव से तो माइनस सिक्स आ नहीं सकता। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी माइनस सिक्स नहीं आ सकता। माइनस कब आएगा? जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। वो चीज बेटा यहां से पता चलेगी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। अगर यहां पे माइनस है, क्या है यहां पे माइनस, इट मींस अगर हम फंडामेंटल इक्वेशन देखें अपनी तो वो क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर जीरो, यही तो होती थी, यही होती थी। अगर मैं देखूं इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट बेटा ये ब्रैकेट पॉजिटिव आया होगा, कितना आया होगा पॉजिटिव, तभी बाहर माइनस बचेगा, अदरवाइज प्लस हो जाता कि नहीं, अगर अंदर माइनस होता। फिर से समझो, ये माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो बेटा पॉजिटिव है, तभी माइनस बचेगा। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम निगेटिव आता तो फिर ये प्लस कर देता कि नहीं। उम्मीद है समझ आ रही होगी मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस इनका जो सम है वो पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, इनका सम हमें दोनों का पॉजिटिव करना है और एक रूट को निगेटिव भी करना है, तो अगर हम ऐसे कर दें बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको आगे माइनस तीन लगा दूं तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो माइनस वन दे देंगे, जो कि गलत हो गया। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? अगर इसको माइनस करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, देखो तीन प्लस और माइनस दो, तीन से दो गई तो एक, क्या एक पॉजिटिव है? कम समझ आया होगा, बट कोई नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और अच्छा समझाने का। तो एक अगर माइनस सिक्स से एक बात तो पता चल गई, दोनों में से एक निगेटिव है, बट कौन सा है वो ये चीज डिसाइड करेगी, ठीक है। दो क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपसे ऐसे कहता हूँ, पहली इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर जीरो, ये दो इक्वेशन है, सेम रूट्स हैं, बस किसका फर्क पड़ेगा प्लस और माइनस का, है ना। एक गड़बड़ लिख दिया, हट जा रे बाबा, आ जा माइनस। चलो ये क्वेश्चन है भाई, मिस्टेक प्लस कर दिया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्क कितना है, बस इधर माइनस और इधर कितना है प्लस, इन दो का फर्क है, इधर माइनस है और इधर क्या है प्लस। देखो रूट्स कैसे निकलते, ध्यान से समझना बेटा, हमें एक बात ये सीखनी है कि अगर मैं 35 के फैक्टर्स करना चाहूँ जिनका जिनका सम या डिफरेंस कितना है 12, है ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं कैसे करूंगा बताओ, इसको ले लेता हूं सात और इसको कितने ले लेता हूं पांच, तो सेवन फाइव जा कितना होगा आपका 35, बोलो होगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल। इसके भी कितने होंगे सेवन और फाइव। अब मेरी बात को सुनो, एक बात तो क्लियर हो गई बेटा कि रूट्स जो होंगे वो 7.5 होंगे, इधर भी कितने होंगे 7.5, ये रूट्स नहीं मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू तो ये होगी, बट इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, क्योंकि ये सी इंडिकेट कर रहा है इनमें से एक निगेटिव है, ये इंडिकेट कर रहा है एक निगेटिव है, क्यों? क्योंकि माइनस 35 दो नंबर्स का गुणा अगर निगेटिव है,
इसका मतलब हुआ इन दोनों में से कोई एक निगेटिव है। अगर दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कोई एक निगेटिव है, या तो अल्फा निगेटिव है या बीटा निगेटिव है, वो चीज पता नहीं है, वो भी पता चलेगी देखो कैसे। एक बात बताओ, अगर ये माइनस है इसका मतलब ये रहा होगा कि माइनस, ये 12 और ये x, इसका मतलब ये 12 जो है ना ये प्लस का रहा होगा तभी बाहर माइनस आएगा। 12 किसका रहा होगा? प्लस का, बोलो रहा होगा कि नहीं? 12 रहा होगा आपका किसका? प्लस का। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस इधर कितना रहा होगा मेरे दोस्त? 7 प्लस का 5 रहा होगा। एक सेकेंड, ये ना गलत लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे खुद से बना रहे हैं ना तो प्लस माइनस में मामला गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने बाई मिस्टेक वहां पे 12 कर दिया था जबकि यहाँ पे कितना होगा ओनली 2। ठीक है, कैसे अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर, एक बात तो क्लियर है, क्या कि 75 के जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे? 7 और 5 इधर, सॉरी 35 के, और इधर 35 के कितने आएंगे? 7 और 5। कैसे? क्योंकि इधर माइनस है तो हमें डिफरेंस कितना चाहिए? 2। इधर डिफरेंस कितना चाहिए? 2। अब बात को सुनो, एक तो आएगा 7 और दूसरा क्या आएगा? 5। बट कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है वो देखो कैसे पता चलेगा। अगर ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है इसका मतलब ये है ये 2 पॉजिटिव आया होगा। कितना आया होगा? 2 पॉजिटिव। कैसे? कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का एल्फा बीटा बराबर 0, यही तो होता है। इसका मतलब ये है अगर ये बाहर निगेटिव बचा हुआ है तो एल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? पॉजिटिव। और अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव कैसे आएगा? कैसे आएगा पॉजिटिव? अगर एक प्लस का हो दूसरा माइनस का, यानी बड़ा वाला पॉजिटिव हो छोटा वाला निगेटिव, तभी तो यहाँ पे प्लस बचा रहेगा, बचा रहेगा कि नहीं। और तीसरी बात ये है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे कितना है आपका? माइनस, यानी कि माइनस। अगर ये माइनस है तो ये बताता है कि अल्फा बीटा में से कोई एक निगेटिव है, इन दोनों में से कोई एक निगेटिव है। कौन सा निगेटिव वो ये चीज डिसाइड करती है, ये चीज। इन दोनों का जो सम है वो पॉजिटिव है, तो सम पॉजिटिव कैसे आ सकता है? जब 7, -5 रूट्स होंगे। भाई 7, -5 रूट्स होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 7 से 5 गई तो कितना बचेगा? 2। एक्स माइनस दोनों का गुणनफल करेंगे तो माइनस का 35। अब सेम इधर आ जाओ, इसके रूट्स तो 7, 5 हैं, ये बात तो क्लियर है, लेकिन कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव ये नहीं पता। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव निगेटिव है? इसलिए क्योंकि इधर माइनस है। अगर इधर माइनस है और ये भी पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है कि नहीं, और दो नंबर का प्रोडक्ट कब आ सकता है? जब कोई एक निगेटिव हो, बट कौन सा है ये नहीं पता। तो एक बात बताओ, इधर पॉजिटिव है, इधर कितना है? पॉजिटिव। अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस एल्फा बीटा बराबर, इसको प्लस ही कर देते हैं ना, देखो ये माइनस आना चाहिए फंडामेंटल इक्वेशन में, बट ये है क्या? प्लस। तो ये प्लस कब हो सकता है? जब अल्फा प्लस बीटा माइनस आया हो, तभी तो प्लस होगा ये। भैया अगर मुझे ऐसे मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस था ये प्लस कैसे हो गया? जब अल्फा प्लस बीटा निगेटिव रहा होगा तभी तो ये प्लस होगा। और अल्फा प्लस बीटा अगर निगेटिव होगा तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निगेटिव होगा? जब ये माइनस 7 होगा और वो प्लस का 5 होगा, होगा कि नहीं? क्यों? कि जब इनको जोड़ोगे तो ये माइनस 2 देंगे और माइनस बाहर वाला प्लस बना देंगे। कैसे? अगर मैं इससे इक्वेशन बनाऊं तो यही आएगी, देखना कैसे, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस 2 बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? माइनस का 35 बराबर 0। तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 बराबर 0। आगे समझ में? अगर सी निगेटिव है, अगर सी निगेटिव है तो क्या होगा? अगर सी निगेटिव है तो दो केस बनेंगे। कौन से दो केस? या तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो बी डिसाइड करेगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं।
ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये कौन सी इक्वेशन सेकंड। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की हम लोग, है ना, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं, फटाफट रूट्स निकलेंगे। देखो आपको इनके फैक्टर्स करने हैं, इनके फैक्टर्स करने हैं, सम या डिफरेंस कितना है एक, सम या डिफरेंस कितना एक, तो क्या आएंगे इसके 6 × 7। देखो 21 × 2 लिख मत देना क्योंकि घटाओगे तो 19 आएगा, जोड़ोगे तो 23 आएगा, यानी गलत हो गया। तो दिमाग कहाँ जाएगा हमारा, 6 और 7 पे। अब एक बात तो क्लियर होगी, एक 6 और 1 कितना है 7, लेकिन इनमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कैसे पता चला, क्योंकि इनका प्रोडक्ट निगेटिव है ना, -42। अगर प्रोडक्ट निगेटिव है तो एक छोटा है एक बड़ा, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा वो ये बताएगा। तो अगर ये माइनस है इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा कितना रहा होगा, पॉजिटिव। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा पॉजिटिव कब हो सकता है, ऐसे -6 + 7। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और -6 कितना आएगा, एक आएगा कि नहीं, पॉजिटिव। इसका मतलब x² - x - 42 हो गया इसके रूट्स। देखो एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि x² - α + β बाहर x प्लस का α β = 0, यही होती है फंडामेंटल इक्वेशन, इसी पे तो बनते हैं रूट्स रख के, है ना। x स्क्वायर के सामने x, माइनस के सामने माइनस। अगर ये माइनस है इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव रहा होगा, और पॉजिटिव का कितना एक रहा होगा क्योंकि x के साथ एक का गुणा है, और प्लस अल्फा बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आया है। अगर प्रोडक्ट निगेटिव है इससे पता चला एक रूट निगेटिव है, और ये माइनस है इससे ये पता चला कि बड़ा वाला पॉजिटिव है, क्योंकि तभी तो ये पॉजिटिव दे पाएगा। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब चलते हैं इस इक्वेशन पे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें क्या है, इधर ए कर लो, ए की वैल्यू 1 इसलिए लिखा नहीं, यहाँ भी ये लिख नहीं रहा हूँ। तो x² - α + β x और प्लस का α β = 0। यहाँ भी पता चल रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक रूट निगेटिव है आपका, एक रूट निगेटिव है। और फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे, 6 और 7, यानी कि एक 6 है दूसरा 7 है, बोलो है कि नहीं। लेकिन कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव वो ये चीज डिसाइड करेगी। देखो होता है माइनस बट है प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, नेगेटिव। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होगा तभी पॉजिटिव बना पाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव कब हो सकता है, जब ये -7 हो, जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस, और माइनस माइनस कितना आएगा प्लस। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम अब आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसकी 2 वीडियो बनाएंगे, 2 से 3। मैंने सारे टाइप्स खत्म कर दिए बेसिक के, अब एक टाइप बचा हुआ है, कौन सा मैं आपको बता दूँ, जब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि 3x² + 4x + 7, ऐसे ही मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया ऐसे, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में भी कुछ होगा, ठीक है। और इसकी भी ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, तो आपका अच्छे से हो जाएगा क्लियर, ठीक है दोस्त। और फिर बैंकिंग के PYQ और जो क्वेश्चन है सारे के सारे बैंकिंग के, वो सब कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जय हिंद, धन्यवाद।